हेलो दोस्तों, अगर आप भी जो है DDR5 रैम का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार जो है ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इस साल तक जो है आपको DDR5 रैम का मास प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, या इस साल के अंत तक या फिर अगले साल तक आपको जो है DDR5 रैम मार्केट में मिल जाएगी। और ये जो है DDR5 रैम जो आने वाली है वो DDR4 की अपेक्षा जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट के साथ आने वाली है, परफॉर्मेंस काफ़ी बूस्ट इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से ये चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो है रैम के जो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स की अगर हम बात करें तो उनमें सैमसंग, माइक्रोन और SK हाइनेक्स जैसी कंपनियां आती हैं। बाकी सारी कंपनियां जो है इन्हीं से ही अपने जो है रैम लेती हैं और अपनी ब्रांडिंग के साथ लॉन्च करती हैं। तो दोस्तों, इनमें से एक कंपनी है SK हाइनेक्स, जो कि कोरियाई कंपनी है। इन्होंने जो है अपने ऑफिशियल प्रेस रिलीज में ये कह दिया है कि वो इस साल में जो है DDR5 रैम का मास प्रोडक्शन करना चालू कर देंगे, और इनकी स्पेसिफिकेशन भी उन्होंने बता दी है कि वो किस स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाली है। तो दोस्तों देखिए, क्या था कि 2013 में जब जो है DDR4 रैम जो है लॉन्च हुई थी, तो DDR3 से DDR4 में जो है इतना परफॉर्मेंस बूस्ट देखने के लिए नहीं मिला था। केवल 33% का लगभग आपको परफॉर्मेंस बूस्ट जो है देखने के लिए मिला था। लेकिन अब आपको DDR5 रैम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो है 8400 MHz तक की जो है स्पीड आपको देखने के लिए मिल जाएगी, यानी फ्रिक्वेंसी आपको जो है 8400 MHz तक देखने के लिए मिल जाएगी। तो DDR4 तो हमको जो है लगभग दोगुनों से ज़्यादा जो है हमें परफॉर्मेंस बूस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें जो है आप अभी जो DDR4 रैम में देखते थे तो उसमें आपको जो है 8 जो है चिप जो है देखने के लिए मिलती थी। जैसे कि अगर हम बात करें तो 4-4 चिप जो है आपको दोनों तरफ देखने के लिए मिलती थी, लेकिन DDR5 रैम में आपको जो है ये 8 से बढ़कर जो है 16 हो जाएंगी। तो इससे जो है मेमोरी बैंक भी इनके बढ़ जाएंगे और ये लगभग आपको 16 से लेकर 32 तक हो जाएंगे। तो इससे जो है स्पीड जो है इनकी डबल हो जाएगी। और अगर हम बात करें इसके वोल्टेज की, तो ये भी 1.2 ऑपरेशनल वोल्ट से, जो कि आपको DDR4 में देखने के लिए मिलता था, 1.2 ऑपरेशनल वोल्ट पे जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इससे बिजली की खपत भी लगभग आपकी 20% कम हो जाएगी जो रैम कंज्यूम करती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम मिनिमम अगर हम बात करें तो आपको 8 GB से लेके अगर हम मैक्सिमम बात करें 64 GB तक जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि अगर हम DDR4 में बात करें तो आपको 16 GB तक की जो है रैम देखने के लिए मिलती थी मैक्सिमम, अब जो है आपको इसमें जो है 64 GB तक की रैम जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही इसमें आपको 8 GB, 16 GB और 24 GB के भी मॉडल जो है देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर हम टेक्नोलॉजी की अगर हम डीप में बात करें तो इसमें आपको ऑन डाई ECC यानी एरर करेक्शन कोड वगैरह जैसे फीचर्स, और साथ ही इसमें आपको जो है ECS वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएगा, यानी एरर चेक एंड स्क्रब जैसे ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये भी आपको जो है सर्वर वगैरह में जैसे काम होता है तो उसमें ये रैम जो है काफ़ी काम आती हैं। तो इस तरीके की ये रैम जो है उस मॉड्यूल पर जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, फॉर्म फैक्टर की अगर हम बात करें, तो ये सिमिलर जो है DDR4 के जैसे लगभग होने वाली है। और कंपनी ने ऐसा कहा है कि वो इस साल के में जो है इसका मास प्रोडक्शन जो है चालू कर देगी। तो इस साल तक या अगले साल तक जो है आपको DDR5 रैम जो है मार्केट में प्रॉपर देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर हम DDR4 से DDR5 की अगर हम कंपैरिजन करके अगर हम बात करें तो DDR5 जो रैम जो है काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है कई सिस्टम बिल्ड अभी इस साल करने के लिए सोच रहे हैं तो फिर आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस साल तक जो है मास प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। लेकिन अभी जो पेंडेमिक चल रहा है आपको पता ही है, जिस तरीके का अभी जो वायरसेस वगैरह फैला हुआ है तो किस तरीके का ये माहौल है, तो अगले साल तक जो है 100% आपको जो है DDR5 रैम जो है मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, साथ ही चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।